दोस्तों, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर में डिफरेंस क्या है एंड बेसिकली वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर होता क्या है। सो फर्स्ट हम फिगरेटिवली देख लेते हैं ताकि आपको इजीली याद रह जाएगा। वाटर ट्यूब बॉयलर में जो ट्यूब्स होती है उसमें से पानी पास होता है, ठीक है, एंड नीचे जो फर्नेस है वहाँ से फ्लू गैसेस जनरेट होते हैं और वो फ्लू गैसेस पाइप के सराउंडिंग में से पास होते हैं आजू बाजू से, ठीक है। सो ट्यूब में से क्या जाता है, वाटर, एंड ट्यूब के आउटसाइड पे जो भी सराउंडिंग होता है वो है फ्लू गैसेस। सो फ्लू गैसेस है वो पाइपलाइन को पूरा सराउंडिंग करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको वाटर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि ट्यूब में से वाटर पास होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। सो इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर जो पूरा ड्रम होता है बॉयलर का वो वाटर से भरा होता है, ओके, एंड उसमें पाइपलाइन रखी होती है जिसमें से फ्लू गैसेस पास होते हैं। सो ट्यूब में से क्या होता है, फ्लू गैसेस पास होते हैं, इसीलिए ट्यूब में से हम बोल सकते हैं कि फायर पास होती है, इसीलिए उसको बोल सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। सो इन वाटर ट्यूब, ट्यूब में से वाटर पास होगा, इन फायर ट्यूब, ट्यूब में से फ्लू गैसेस या फिर फायर पास होगी। नाउ अभी डिफरेंस देख लेते हैं वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर में। सबसे पहला, वाटर इज सर्कुलेटेड इनसाइड फ्रॉम द ट्यूब एंड ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय द हॉट फ्लू गैसेस। ट्यूब जो है वो सराउंडेड है हॉट फ्लू गैसेस से एंड वाटर जो है वो पास होता है ट्यूब के अंदर से। इन फायर ट्यूब बॉयलर हॉट फ्लू गैसेस सर्कुलेटेड इनसाइड फ्रॉम द ट्यूब एंड ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय वाटर। जो पूरी ट्यूब्स होती है वाटर से सराउंडेड है एंड ट्यूब में से, ट्यूब के अंदर से फायर मीन्स हॉट फ्लू गैसेस पास होंगे, इसीलिए उसको कहा जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट, इट कैन जनरेट स्टीम प्रेशर अप टू 165 bar तक हाई प्रेशर जनरेट कर सकता है वाटर ट्यूब बॉयलर। इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर ओनली 25 bar तक प्रेशर जनरेट हो सकता है स्टीम का। नेक्स्ट, रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज हायर। वाटर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा रेट ऑफ स्टीम मीन्स स्टीम बना सकते हैं, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज लोअर एज कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट, सूटेबल फॉर लार्ज पावर रिक्वायरमेंट। वाटर ट्यूब बॉयलर है वो ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है, ज़्यादा स्टीम जनरेट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर सूटेबल फॉर स्मॉल पावर प्लांट। नेक्स्ट, फॉर द सेम कैपेसिटी फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड लेस। उतनी कैपेसिटी के लिए कम स्पेस चाहिए इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, जबकि इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर स्पेस रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, सेम कैपेसिटी के लिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हायर। जो चलाने का खर्चा है वाटर ट्यूब बॉयलर का वो ज़्यादा है, इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस। ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की जाए तो नियर बाय 90% एफिशिएंसी मिलती है वाटर ट्यूब बॉयलर में एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इज 75% इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। मीन्स एफिशिएंसी के मामले में फायर ट्यूब बॉयलर पीछे है वाटर ट्यूब से। नेक्स्ट, एक्सटर्नली फायर्ड। जनरली वाटर ट्यूब जो बॉयलर होता है वो एक्सटर्नली फायर्ड मीन्स बाहर कॉल या फिर जो भी ऑयल या फिर गैस है उसको बर्न करना होता है और फिर उसको अंदर लाया जाता है सिलेंडर में, ठीक है, जहाँ पे पाइपलाइंस रखी होती है। सो एक्सटर्नली फायर्ड बोलेंगे उसको एंड फायर ट्यूब बॉयलर जो कि है इंटरनली फायर्ड, ओके, मीन्स अंदर के अंदर ही जलाना है और अंदर के अंदर ही जो भी उसका फ्लू गैसेस है उसको पास करना है सेम जगह पे। सो उसको बोला जाएगा इंटरनली फायर्ड। एंड लास्ट वन, मोर प्रॉब्लम ऑफ ब्रस्टिंग एंड ओवरहीटिंग। उसका ब्लास्ट होने का जो रेशियो है वो ज़्यादा है एंड ओवरहीटिंग भी ज़्यादा हो सकती है इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में लेस प्रॉब्लम ऑफ ब्रस्टिंग एंड ओवरहीटिंग। उसका जो भी प्रॉब्लमेटिक इश्यू है मीन्स फायर हैजर्ड्स वो कम है इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। सो ये था आज के लिए वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर। जस्ट एक बार फिगर विजुलाइज कर ले हम वाटर ट्यूब फायर ट्यूब की। वाटर ट्यूब में क्या है, ट्यूब में से वाटर पास होता है इसलिए उसको बोला जाता है वाटर ट्यूब बॉयलर एंड जो भी फ्लू गैसेस है उसको सराउंड करेंगे पाइपलाइन को आजू बाजू से, ओके। एंड फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, ट्यूब में से फायर पास होगी एंड वाटर जो है वो सराउंड करेगा सभी ट्यूब्स को मीन्स फ्लू गैसेस को। सो ये था आज के लिए, बस इतना ही। फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा 99% 100% गारंटेड। एंड वाटर ट्यूब के एग्जांपल देख लेते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के।
तो बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, लामॉन्ट बॉयलर, बैंसन बॉयलर एंड लॉफलर बॉयलर, दिस ऑल बॉयलर्स आर वाटर ट्यूब बॉयलर. इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब में कौन कौन से आएंगे? सिंपल वर्टिकल बॉयलर, कोचरन बॉयलर, लैंकेशायर बॉयलर, लोकोमोटिव टाइप बॉयलर. तो ये थे फायर ट्यूब बॉयलर्स. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड सपोर्टिंग. प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ यू वॉन्ट मोर अपडेटेड वीडियोज, मोर नॉलेजेबल, मोर टेक्निकल वीडियोज. थैंक यू.